अभी हम लोग श्यामपुर मोड़ भुइयां धौड़ा के पास खड़े हैं और यहाँ एक अजीबोगरीब वाक्य सामने आया है। मामला है यहाँ के ग्रामीणों का, जो है कल बिजली विभाग द्वारा लाइन काट दिया गया और जब ग्रामीण इसकी शिकायत किए तो जब हम लोग यहाँ पहुँचे मुखिया जी भी आए और ग्रामीणों से जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि सन 2015 में उनसे बिजली मीटर के नाम पर 2000 रुपये की वसूली की गई थी और कहा गया था कि आप लोगों का मीटर लगा दिया गया जाएगा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अब 2023 चल रहा है लेकिन अभी तक उनका मीटर नहीं लगा है। वो बिजली उपयोग में ले रहे थे और कल विभाग द्वारा एकाएक आके उनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप लोग जितना फाइन हो रहा है वो जमा करें नहीं तो आप लोग के ऊपर केस किया जाएगा। कुछ नहीं लगा, एकाएक कल्पना आया और बोला कि सबके घरे घर मीटर बैठाएंगे, बिजली देंगे, सरकारी तरफ से हम लोग आए हैं। हम लोग सब औरत घर से बाहर होकर नाम अपना अपना पति के लिखा दिए। अब बोलता है कि केस होगा, 10,000, 20,000, 50,000 फैन लेगा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे फैन। पहले तो आप लोग अभी ये जमा करने के लिए पैसा ले चुके हैं? हाँ, पैसा लिए, कितना लिया है? 2000 लिया। हम लोग बिजली विभाग में जमा किए, रसीद भी मिला, अभी तक ले मीटर नहीं बैठाया। हम लोग के लूर अकील है कि हम लोग अपने से मीटर बैठाएंगे, अब सरकारे सबने कोई उपाय करेगा, अब हम लोग क्या करें। हम लोग के फंसा रहा है कि तुम लोग के फैन लेंगे तो जेल करेंगे, तो हम लोग गरीब आदमी हम कहाँ से फैन देंगे। कितना का बिल कटा है आपका? 2000 के मतलब हम लोग रसीद कटा है। वो बोला कि आप लोग के घरे घरे मीटर बैठा देंगे, तो हम लोग के तो अभी तक ले मीटर नहीं बैठा है। हम लोग लाइन जा रहे हैं लेकिन हम लोग अपने से नहीं लाइन जा रहे हैं, खुद मुखिया सरपंच सब मिल के हम लोग के लाइन दिया कि आप लोग गरीबी है लीजिए लाइन, अब हम क्या करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी देवी। गरीब परिवार से आता है, सब मजदूरी करता है और 2015 में ये लोग 20 रुपया करके रसीद भी कटाया है यहाँ से लेकर के सुसियोट भाटा तक, और 2000 रुपया का मीटर लगाने के नाम पर विभाग कोई लोग पैसा भी जमा किया है जिसका रसीद भी है। और भरवली रूप से विभाग को हम बोले कि सब जगह कैंप लग रहा है, मेरा भी यहाँ पर गरीब लोग है, हैं यहाँ कैंप लगा करके और मीटर वोटर लगा करके व्यवस्थित तरीके से इन लोग का बिजली का व्यवस्था किया जाए, लेकिन विभाग इतना लापरवाह है, खाली घुसखोरी और चोरी। चोरी करने के लिए तो विभाग ही सिखाता है। कल हमको 2 बजे के लगभग में सूचना मिले कि ऐसा ऐसा बात है, विभाग का ना SDO फ़ोन उठाया, ना ओवरसियर फ़ोन उठाया, कोई फ़ोन आज तक नहीं उठाया। मान लीजिए कहीं घटना हो जाता है, हम जनप्रतिनिधि है, इस पंचायत में कोई घटना घट जाता है, उसके लिए भी मैंने विभाग इतना लापरवाह है कि एक जनप्रतिनिधि का कल दिन भर 2 बजे से लेकर के 8 बजे दिन तक हम फोन करते हैं, अभी तक कोई फोन नहीं उठाया है। बीच में एक पोल 1 साल पहले मार दिया था हाईवा को यहाँ के लोगों ने पकड़ करके विभाग के हवाले किया, उससे 16,000 रुपये का वसूली हुआ, लेकिन आज तक वो पोल भी नहीं लगा, देखने का चीज़ है। इतना विभाग के यहाँ के जो प्रबंधन है, JEE है, SDO है, सब लापरवाह है, खाली मुद्रा नोचन का काम करता है। अब मजबूरन हमको बिजली विभाग के खिलाफ हमको निगरानी विभाग में शिकायत करना होगा कि गरीब कमज़ोर परिवार को लोग तंग करता है और मीटर लगाने के नाम पर पैसा दोहन करता है और काम भी नहीं करता है। आपको देखने का चीज़ है कि 2015 का ही रसीद दिखा रहा है, यहाँ का महिला लोग 2000 रुपये जमा किया मीटर लगाने के नाम पर, लेकिन आज तक नहीं लगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर विभाग द्वारा बिजली मीटर के नाम पर रसीद काटी गई थी, 2000 रुपये लिए गए थे, तो वो पैसा कहाँ गया? विभाग इसकी जांच करे और जो भी इसमें आरोपी है उन पर कार्रवाई करे, लेकिन यहाँ उल्टा ग्रामीणों को जो है प्रेशर दिया जा रहा है, ग्रामीणों पर प्रेशर किया जा रहा है कि आप लोग का बिजली बिल बकाया है, आप लोग के ऊपर केस किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आप विभाग की नींद खुलती है या फिर गरीब और असहाय बेरोजगार ग्रामीणों के ऊपर विभाग जो है कार्रवाई करता है। न्यूज़ 22 स्कोप के लिए निरसा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बोल रहे हैं, क्यों निकालो? निकालो, 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 नि
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।